फ्रेंड्स वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स आज हम लोग सीखेंगे WH में जब एवर जुड़ता है तो कौन सा शब्द बनता है और उससे सेंटेंसेस कैसे बना जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम वैसे शब्दों को सीखेंगे जो WH फैमिली का होता है, जो WH फैमिली के होते हैं और उनमें एवर जोड़ा जाता है, फिर एवर जोड़ने के बाद कौन सा वर्ड्स आता है सामने में और उसे हम सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स मैंने ये पूरा लिख के रखा हुआ है बोर्ड पर, वॉट एवर वर्ड सो एवर, वेन एवर वेन सो एवर, वेयर एवर वेयर सो एवर, हुम एवर हुम सो एवर और हु एवर, विच एवर विच सो एवर, हाउ एवर हाउ सो एवर, हुज एवर हुज सो एवर एंड हु एवर्स। ओके फ्रेंड्स, ये सारे वर्ड्स हैं तो हम एक एक करके शुरू करते हैं और उसके बारे में समझते जाएंगे और सेंटेंस बनाते हुए समझते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लेते हैं व्हाट एवर और व्हाट सो एवर, व्हाट एवर और व्हाट सो एवर। इसका मतलब क्या होता है? व्हाट एवर का मतलब होता है जो भी जो कुछ भी, और व्हाट सो एवर का मतलब भी होता है जो भी या जो कुछ भी। और फिर आप पूछेंगे कि फिर दोनों अलग अलग क्यों, इसमें सो एवर क्यों लिखा जाता है? तो फ्रेंड्स ये जो है जिसमें भी जितने भी आप देख रहे हैं सो एवर लगाया है, ये सारे के सारे फॉर्मली यूज होते हैं, फॉर्मली ये फॉर्मली यूज होते हैं, फॉर्मल तरीके से यूज किए जाते हैं इनको। और जब हम किसी बात को ज़्यादा जोर देकर बोलते हैं तो भी हम व्हाट सो एवर बोल सकते हैं। वैसे भी आप जहाँ पर व्हाट एवर का इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर व्हाट सो एवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप यूज कर सकते हैं। जैसे अब इसका हम एक सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तुम जो भी या जो कुछ भी कर रहे हो वो गलत है। व्हाट एवर या व्हाट सो एवर यू आर डूइंग इज रॉन्ग। जो भी या जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो तुम्हारा नहीं है। व्हाट एवर या व्हाट सो एवर यू हैव इज नॉट योर्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये था व्हाट एवर का इस्तेमाल। तो व्हाट एवर का इस्तेमाल हम जहाँ पर व्हाट एवर बोल रहे हैं वहाँ पर व्हाट सो एवर भी बोलेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके फ्रेंड्स, आप कर सकते हैं, बिंदास कर सकते हैं, व्हाट एवर का इस्तेमाल या व्हाट सो एवर का इस्तेमाल, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी दूसरा है वेन एवर या वेन सो एवर। वेन एवर का मतलब होता है जब भी या जब कभी भी। इसमें भी वही सेम बात है कि वेन सो एवर एंड वेन एवर दोनों का मतलब एक ही होता है। हम ज़्यादा जोर देकर या फॉर्मली यूज करते हैं तो वेन सो एवर का करते हैं, बट किसी भी सेंटेंस में दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तब इसमें सेंटेंस है अभी वेन एवर, जब भी जब कभी भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ मुझे अच्छा लगता है। वेन एवर वेन सो एवर आई कम टू यू आई फील गुड। जब भी या जब कभी भी मैं ये फिल्म देखता हूँ मुझे मेरा बचपन याद आता है। वेन एवर या वेन सो एवर आई वॉच दिस मूवी आई रिमेम्बर माई चाइल्डहुड। ओके फ्रेंड्स, ये था वेन एवर एंड वेन सो एवर। अभी है वेयर एवर या वेयर सो एवर। वेयर एवर का मतलब होता है जहाँ कहीं, जहाँ भी या जहाँ कहीं भी। ओके फ्रेंड्स, इसे सेंटेंस बना के समझेंगे। जहाँ भी जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ मैं तुझे याद करता हूँ। वेयर एवर वेयर सो एवर आई गो आई मिस यू। मैं जहाँ कहीं भी जाऊँगा मैं तुम्हें कॉल करता रहूँगा। वेयर एवर या वेयर सो एवर आई गो आई विल कीप ऑन कॉलिंग यू। ओके फ्रेंड्स, तो ये था वेयर एवर या वेयर सो एवर। अभी है हुम एवर हुम सो एवर एंड हु एवर। हुम एवर का मतलब होता है जिसे भी या जिसको भी, हु एवर का मतलब होता है जो भी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अलग अलग अर्थ हो गया थोड़ा। हु एवर का अर्थ होता है जो भी और हुम एवर या हुम सो एवर का मतलब होता है जिसे भी या जिसको भी। ओके फ्रेंड्स, तभी हम सेंटेंस बनाते हुए समझते हैं। जिसको भी जिसे भी तुम मेरे साथ भेजना चाहते हो तुम भेज सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हुम एवर हुम सो एवर यू वॉन्ट टू सेंड विथ मी यू कैन आई हैव नो एनी इशू।
तुम जिसे भी इस मैच के लिए चुनते हो मैं उसके साथ खेलने को तैयार हूँ। आई एम रेडी टू प्ले विद हिम हुम एवर यू विल सेलेक्ट फॉर दिस मैच। जो कोई भी वहाँ सबसे पहले पहुँचेगा वो इनाम पाएगा। हु एवर रीचेज देयर फर्स्ट विल गेट अवार्ड। इसमें हु एवर का मतलब होता है जो भी या जो कोई भी। ओके फ्रेंड्स, ये था हुम एवर, हुम सो एवर एंड हु एवर। अभी विच एवर एंड विच सो एवर। विच एवर का मतलब भी होता है जो भी या जो कुछ भी। ओके फ्रेंड्स, लेकिन इसका इस्तेमाल हम निर्जीव चीजों के लिए, मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। जो भी किताब तुम्हें पसंद है तुम उसे खरीद सकते हो। विच एवर बुक यू लाइक यू कैन बाय। जो भी कुर्सी तुम्हारी है तुम उसे ले सकते हो। विच एवर चेयर इज योर्स यू कैन टेक इट। ओके फ्रेंड्स, अभी है हाउ एवर एंड हाउ सो एवर। हाउ एवर का मतलब होता है कि जैसे भी, लेकिन फिर भी, जितना भी। तीनों का इस्तेमाल हम अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस के लिए करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम इसका भी यूज करते हुए सीखते हैं। हमसे जितना हो सकता है गरीबों की मदद करनी चाहिए। वी शुड हेल्प पुअर हाउ एवर वी कैन। यहाँ पर हाउ एवर का मतलब है जितना भी। मेरे पिताजी कुछ नहीं कहते फिर भी वो इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि मैं क्या देखता हूँ। माई फादर डजंट से एनीथिंग हाउ एवर ही इज़ वेरी पर्टिकुलर आई वॉच। आई वॉच की जगह व्हाट आई वॉच भी बोल सकते हैं। वहाँ पहुँचना जितना भी मुश्किल हो मैं वहाँ पहुँचूँगा। हाउ एवर डिफ़िकल्ट टू रीच देयर आई विल विन ओवर इट। यहाँ पर आई विल विन ओवर इट का मतलब होता है मैं इसे हासिल करके रहूँगा, मैं इस पे जीत हासिल करूँगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये था इस्तेमाल हाउ एवर और हाउ से एवर। अभी है हुज एवर एंड हुज सो एवर और हु एवर्स। ओके फ्रेंड्स, हुज एवर का मतलब होता है जिसका भी या जिस किसी का भी। हुज सो एवर का मतलब भी वही होता है और हु एवर्स का मतलब भी वही होता है। तो एक एक करके हम सेंटेंस बनाते जा रहे हैं। जिसका भी, जिस किसी का भी होमवर्क पूरा नहीं है वो कृपा खड़े हो जाए। हुज एवर होमवर्क इज नॉट कम्प्लीट प्लीज स्टैंड अप। या दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं हुज सो एवर होमवर्क इज नॉट कम्प्लीट प्लीज स्टैंड अप। या तीसरा सेंटेंस है हु एवर्स होमवर्क इज नॉट कम्प्लीट प्लीज स्टैंड अप। फ्रेंड्स, यहाँ पर हु एवर का इस्तेमाल के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हु एवर का इस्तेमाल ज़्यादातर सेंटेंसेज में किया जाता है हुज एवर और हुज से एवर की जगह पर। बट हुज एवर और हुज से एवर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वो भी गलत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग हु एवर्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, तो ये था इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इनका अर्थ क्या होता है और इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। मेरे ख्याल से बहुत कम प्रैक्टिस था, दो दो एक एक सेंटेंस से ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आने वाला है। आप खुद ही आप समझ चुके होंगे कि इनका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं और किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं। अब यार जहाँ पर शो एवर लिखा है और यहाँ पर शो एवर नहीं लिखा है, दोनों का मतलब एक ही होता है। आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, चार चार पाँच पाँच दस दस सेंटेंस बना बना कर प्रैक्टिस कीजिए। एक बार आपके दिमाग में घुस जाएगा फिर वो बाहर नहीं निकलेगा। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का कंसेप्ट अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा कि इनका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं और किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं और इसका अर्थ क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।